नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। रायबरेली में गलत सिग्नल के कारण आमने सामने टकराए मालगाड़ी के इंजन, ट्रैक भी हुआ क्षतिग्रस्त, दो घायल। बसपा कार्यकारिणी की बैठक में फिर से पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई मायावती, प्रकाश आनंद का कद बढ़ा। काशी विद्यापीठ में दाखिले की राह आसान नहीं, LLB में एक सीट पर 25, BCOM में 21 दावेदार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मैनपुरी में जन्मे 10 कृष्ण और 6 राधा, परिवारों में खुशी। फरुखाबाद में रंगदारी मांगने के में माफिया अनुपम सहित 10 के खिलाफ मुकदमा। कन्नौज के SP ने 12 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में किया बदलाव, 91 कांस्टेबल के कार्य क्षेत्र भी बदले। हाथरस में पाइप डालते समय उखड़ा पूर्व सांसद राजवीर दिलेर का नाम का बोर्ड, होने लगी चर्चाएं। हाथरस में नातिन के फर्जी नामांकन पर फंसी शिक्षिका, BSA ने मांगा स्पष्टीकरण। एटा में वायरल का प्रकोप, डेंगू के 2 मरीज किए गए भर्ती, 300 को बुखार, OPD में बने 2000 नए पर्चे। अलीगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में रोडवेज बसों की कमी, यात्री परेशान। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने डाली याचिका। भगवान कृष्ण 5,291 जन्मोत्सव पर जगमग हुआ विश्राम घाट, 5,251 दीपों से हुआ दीपदान। वाराणसी के BHU को सितंबर में मिलेंगे 171 डॉक्टर, मरीजों को मिलेगी राहत, समय की भी होगी बचत। वाराणसी में देखते ही देखते सरयू की धारा में समा गया मकैया बाबा का मंदिर, ग्रामीणों की आस्था का केंद्र था धाम। अलीगढ़ के कवि हरीश बेताब के बेटे पर हमला, जख्मी, मुकदमा दर्ज, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। गोरखपुर मंदिर की गौशाला में CM योगी आदित्यनाथ ने की गौ सेवा, बच्चों पर लुटाया प्यार। स्वास्थ्य सुविधाओं में वाराणसी का UP में पहला नंबर, पिछले महीने से 12.82% बड़ा ग्राफ। कान्हा के जन्म पर मथुरा में इंद्रदेव हुए मेहरबान, बारिश में नाचने लगे कृष्ण भक्त, सुहाना हो रहा मौसम। कानपुर की कंपनी को BSF से मिला 50 सर्च लाइट का ऑर्डर, भारत बांग्लादेश और बॉर्डर पर होगी निगरानी। अलीगढ़ के खैर में मुख्यमंत्री की जनसभा आज, तैयारियां अंतिम दौर में। ये थे अभी तक के प्रमुख समाचार। बनवारीलाल कुशवाहा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।